हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बीआईटी मिश्रा के प्लेसमेंट के लिए हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं बीआईटी मिश्रा के बारे में। तो आप देख रहे हैं बीआईटी मिश्रा पहुंचने से पहले आपको एक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल ही आईटी पार्क जैसी बनाई गई है। और यहाँ से ठीक 500 मीटर के और बढ़ेंगे, सेम साइड पर आपको एंट्रेंस मिलने वाला है। तो हम बहुत जल्द आगे पहुँच रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। तो इस तरह से छोटे छोटे आपको डेली यूज़ की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है बाहर में, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट, कैफे, रेक सेंटर और गाड़ियों की ऑटो और वगैरह कनेक्टिविटी है, जो आप धनबाद स्टेशन जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत इसके नियर बाय में ही आपका सिंदरी रेलवे स्टेशन है, जो धनबाद से आप जा सकते हैं, बिल्कुल ही वहाँ के डिस्टेंस में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड आपकी जो आप दिखने वाला है, ये हमारा एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बीआईटी सिंदरी। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो एक गार्ड मिलते हैं, गार्ड आपके सारे प्रोसीजर के बारे में बताते हैं और कई बार वो आपको एंट्री भी कराते हैं, लेकिन कभी कभी वो एंट्री नहीं भी कराते हैं। तो हमें यहाँ पर गार्ड ने रोक लिया है और गार्ड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पार्किंग किधर है। तो पार्किंग में हम लोगों ने लगा के अब हम लोग वॉक करके अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों ने ये गाड़ी खड़ी कर ली है और ये गार्ड साहब चले गए, उनकी अपनी कार है। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ से आपको आगे की ओर जाएंगे, लेफ़्ट साइड में एल्युमिनियम हाउस मिलेगा। एल्युमिनियम हाउस का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर क्या होता है, लेकिन हमने फिर भी दिखाने की कोशिश करी है कि मैं उस बिल्डिंग को दिखाऊं। तो ये एल्युमिनियम हाउस है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, फ्रंट में आपका मेन ऑफिस और मेन बिल्डिंग है, लेकिन लेफ़्ट साइड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यानी कि एसी, और सेम बिल्डिंग में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएससी का भी बिल्डिंग, तीनों कंबाइन एक साथ है। इसी बिल्डिंग में आपके क्लासेस से लेकर लैब फैसिलिटी तक एक ही बिल्डिंग में सारे हैं। सिंदरी की खास बात यह है कि यहाँ जो भी बिल्डिंग बनाए हुए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं, एक रिलेट करके बनाए हैं कम्युनिकेशन, आईटी और सी, और सारे इसके लैब से लेकर सारे कुछ एक सिंगल एक पार्ट से आईटी बिल्डिंग आपने देख रखा है। तो ये सारे चीज़ एक ही बिल्डिंग में है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेन बिल्डिंग की ओर, और ये कुणाल जिसका हमने काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट दिखाया जाएगा कि किस तरह से काउंसलिंग होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये सोलर सिस्टम हमने दिखाने की कोशिश किया है, जो मुझे पता चला है कि इन्हीं के प्रोजेक्ट्स थे और इसलिए वो सोलर बनाया गया, जो यहीं के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है। तो अब आगे जाएंगे, मेन बिल्डिंग से ये लेफ्ट साइड से घुसने की रास्ता दिखाया जा रहा है, कोशिश है हमारी, और फिर भी हम लोग आईटी बिल्डिंग से और से आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा मैप है, मैप के थ्रू हम समझाने का कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ तक आप समझ पाएँ कि आगे आपका एल्युमिनियम हाउस से आगे आईटी पार्क थी, आईटी बिल्डिंग थी, और आईटी पार्क के आगे ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम में ही काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है हमेशा से। बाहर से देखने से बड़ा स्वीट और शोर है। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग बिल्कुल ही, बालकनी भी बहुत अच्छी थी इनकी, और ये हम शॉर्टकट तरीके से विदाउट एंट्रेंस यूज किए हम राइट साइड से काउंसलिंग के प्रोसेस में पहुंच गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी पहुंच गए हैं, क्योंकि आज ईसीई और आईटी दोनों की सेम डेट पे काउंसलिंग है। और ये हमारा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम कुछ इस तरह से है, और काउंसलर लोग वन बाय वन टेबल में बैठे हुए हैं, जिनकी भी क्वेरी है जिस तरह से वन बाय वन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी को भी कोई एक अनजान सा भी आदमी जाके वहाँ काउंसलिंग कर सकता है, हाँ, लेकिन प्रोसेस थोड़ा डिले ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको नॉलेज नहीं है तो।
क्योंकि बड़ी सी एक फाइल होती है और बहुत सारे चीज़ें होती है, तो जो भी बंदे हैं एटलीस्ट आप साइट पे देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देख सकते हैं एक एडवोकेट भी रहते हैं रंजीत कुमार जी, वो पूरा गर्मा गर्म आपको गैप सर्टिफिकेट भी बना देंगे और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको बना देंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं देशमुख जी का ये स्टेचू दिखाने का, जिनके नाम से ये पूरा ऑडिटोरियम है, देशमुख ऑडिटोरियम। उसके बाद ये ऑडिटोरियम का एंट्रेंस दिखाने की कोशिश किया है हमने, तो ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ऑडिटोरियम। तो दोस्तों ये फाइल मिल गया है, फाइल मिलने के बाद हमने उसको फुलफिल कर दिया है, फुलफिल का प्रोसेस भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको किसी भी एक जो खाली रहेंगे उनके फैकल्टी मेंबर से आप जाके मिल सकते हैं, ये बाकायदा कॉलेज के ही फैकल्टी मेंबर हैं और उनकी पूरी जानकारी है। तो ये कुणाल देख सकते हैं, वो खड़े हैं अपने भैया के साथ और वो बता रहे हैं, वो एक साइड से आपको डबल कॉपी हर डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी रखनी है, फिर उनकी ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है, फिर पूरा फुलफिल करना है, नाम लिखनी है, फादर्स नेम लिखनी है, एड्रेस लिखना है, मैट्रिकल 12th की आपकी परसेंटेज भी रहती है, फ़ोटो भी रहती है, ये सारी चीज़ को फिल कर रहे हैं वन बाय वन। तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे डिफ़िकल्टीज होती है और आपको वहाँ परेशानी ना हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ने भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, काफ़ी हेल्पफुल टीचर हैं वहाँ पे, किसी भी तरह की क्वेरी और कितनी बार भी पूछो वो बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फुलफिल हो चुका है। उसके बाद सेकंड पेजेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फादर्स नेम, एड्रेस और सोर्स ऑफ इनकम और इनकम, तो उसकी कॉलम बनी हुई है उसको आप भर देंगे। मेन चेक लिस्ट आपको ये आपको बिल्कुल यहाँ काउंसलिंग से पहले चेक लिस्ट आपको देख लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद देखिए ये पूरी एक मोटी बुक बन गई है जितनी उनकी फुलफिल थी, तो जेरक्स हमने 2-2 कॉपीज लगा लिया है। और अब ये जो हमने बताया था कि एडवोकेट रहते हैं रंजीत कुमार जी, वो बिल्कुल गर्मा गर्म आपको दे देंगे ये गैप सर्टिफिकेट। ये लेफ्ट हैंडर हैं लेकिन काफ़ी अनुभवी हैं, आसानी से लेफ्ट हैंड से धड़ाके से सिग्नेचर कर देते हैं, और किसी की पेमेंट फंस जाए तो वो बड़ा माहिर इंसान हैं पेमेंट करवाने में, तो धड़ाके से पेमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो SBI की लिंक आती है उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का प्रोसेस, और ये गूगल्स वाले स्मार्ट से जो सर हैं वो बहुत अच्छे से हमने देखा कि स्टूडेंट को बारी बारी से बताते हैं और बहुत बार यूज करते हैं, आओ दोस्त बताओ क्या समस्या है, तो समस्या का निदान तो कर देते हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी हमारी प्रोसीजर हो गई, एडमिशन हो गया, काउंसलिंग हो गया और हमने फाइनली CS में एडमिशन ले लिया। अब हम एक बार पूरी कैंपस को दिखाने का कोशिश करते हैं कि कैसा कैसा कैंपस है और कितने एरिया में हॉस्टल है। तो ये सिविल डिपार्टमेंट का ये बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर सा कंस्ट्रक्शन, और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की ओर दिखाने का कोशिश, हॉस्टल कैंटीन की कर रहे हैं। तो जितनी समय हमारे पास थी उसमें कैंटीन तो हम नहीं कवर कर पाए, कोशिश करते हैं कि आपको हॉस्टल तक दिखा दें। तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल सारे एक जगह पे हैं, ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल एक जगह पे हैं लेकिन सबका डिवाइडिंग किया हुआ है। फर्स्ट ईयर का ब्रांच सिस्टम के अकॉर्डिंग, सभी ब्रांच सिस्टम के अकॉर्डिंग
ये हॉस्टल डिवाइड है, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ब्रांच से रिलेटेड सारे हैं। अगर फर्स्ट ईयर का सीएस ब्रांच का अगर दिया हुआ है हॉस्टल तो एक ही जगह पे है, तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को कहीं भागना ना पड़े, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी मतलब ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये हम अभी हॉस्टल की ओर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा व्यू है। आप थोड़ा सा दूर जरूर है वहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन आप साइकिल रख सकते हैं, साइकिल रखना अलाउ है, मोटरसाइकिल रखना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अब गर्ल्स हॉस्टल, ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल है, फर्स्ट में ही सामने में गर्ल्स हॉस्टल भी आता है। वहाँ से आप निकलोगे 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे ये कॉर्नर मिलता है, और कॉर्नर से आप देखोगे तो बहुत सारी फैकल्टीज के लिए अच्छी अच्छी क्वार्टर्स बने हुए हैं। फिर वहाँ से आप निकलेंगे आगे की ओर, आपको बॉयज़ हॉस्टल का वो दिखना चालू हो जाएगा। ये बॉयज़ हॉस्टल दिख रहा है, ये पूरा फैकल्टी आपका बॉयज़ हॉस्टल है एरिया, सॉरी ये ब्लॉक वाइज ब्लॉक है। तो ये आप देख रहे हैं ब्लॉक 1 का ये बिल्डिंग, ये बॉयज़ हॉस्टल है। कुछ न्यू कंस्ट्रक्शंस भी हैं जो आगे दिख जाएंगे, ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आगे बढ़ते रहिए तो आपको सारे हॉस्टल्स एक जगह पे हैं। अब कुछ चटपटा सा खाने का मन करे, हॉस्टल तो है ही, खाना प्रोवाइड है ही, लेकिन उसके लिए भी आपको दूर भागनी नहीं है। पानी पूरी एकदम मस्त वाला मिला था, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का भी वहाँ ये है। आप चाहें तो छोले के साथ भी पानी पूरी गर्म छोले के साथ ट्राई कर सकते हैं। और ये फुटबॉल ग्राउंड जो वहाँ पे मिला, बहुत लोग खेल रहे थे एक साथ, और ये 1 by 1 सारे हॉस्टल। हाँ, एक मेन बात बता दूं कि आप यहाँ गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल के बाहर रह सकता है, लेकिन बॉयज़ को गर्ल हॉस्टल के बाहर रहना अलाउ नहीं है। तो ये नारी प्रधान देश है, इसको आप याद रखें और आप आगे बढ़े। तो इस तरह से आप जब एक राउंड हो जाओगे तो फिर जो हॉस्टल का मेन एंट्रेंस, जहाँ से मैंने दिखाने की कोशिश किया था, बताया था कि यहाँ से हॉस्टल जाने और गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जाके फाइनली वो टच हो जाता है, जैसा कि हम जा रहे हैं। अभी भी ये हॉस्टल सेक्शन चल रहा है, ये पूरा हॉस्टलर है। और ये फाइनली उस चौक से हम जिस अभी थोड़ा देर पहले गुजरे थे उस जगह पे आके टच हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल के कॉलेजेस वगैरह अभी आ गए जहाँ पे क्लासेस होते हैं, क्योंकि वो एक साइड से फाइनली सामने से जाके टच हो जाते हैं। तो इस तरह से तो आप देखिए, फिर जहाँ से हम लोग गए थे हॉस्टल के लिए, हॉस्टल की जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी बिल्डिंग के बाहर अब हम लोग टच होने वाले हैं। और ये उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हम लोग निकले थे एक राउंड करके। तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें बी आई टी सिंदरी के बारे में ने दिखाने की कोशिश करी है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, और हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रधान समझिए, प्रधान फीस बहुत ही कम है, 15,000 के अप्रोक्स में पूरा आपका फी हो जाता है। और ये बीआईटी सिंधा का बाहर का कैंपस, और फिर से हम आ गए ऑडिटोरियम की ओर। और ये मिस्टर सुजीत जो ड्राइव करके ले जा रहे थे, और फिर हम आ गए फाइनली बाहर।